हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है खाजा बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं खाजा बनाना। खाजा बनाने के लिए हमने ये एक बाउल मैदा लिया है और एक ही बाउल हमने चीनी ली है और ये हमने थोड़े से पिस्ता लिया है, इलायची पाउडर और ये फ्रूट्स कलर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है। सबसे पहले मैं चाशनी तैयार करूंगी। जिस बाउल से मैंने चीनी ली थी वही बाउल में आधा बाउल पानी ले रही हूं और चाशनी को मैं पकने दूंगी। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक मैं खाजा के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इसमें दो ये सब स्पून ऑयल डालूंगी। और इसे मैं मिक्स करूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स करके आटा तैयार करूंगी इसका। और ये हमारे मैदे के अंदर ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी मुठियां भी बनने लगी हैं। अब मैं इसे पानी की मदद से आटा तैयार करूंगी। मैं थोड़ा करके पानी ही डालूंगी इसमें। मैं इसका सॉफ्ट आटा तैयार करूंगी, जिस प्रकार से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं। और ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट आटा हुआ है गूंद के तैयार। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। अब मैं चाशनी में चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दूंगी और एक पिंच के आसपास मैं इसमें फ्रूट कलर डालूंगी। इसे मैं स्लो गैस पे ही गर्म होने दूंगी। अब तक मैं ये खाजा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मैंने 1 बड़ा सर्विंग स्पून ऑयल डाल दिया है। मिक्स करूंगी। ये हमारा घोल तैयार हो चुका है और इसे भी मैं एक साइड रख दूंगी। मैं इसके पेड़े तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। हमें इस साइज के ही पेड़े रखने हैं। ये हमारे 6 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बेल लेती हूँ। बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। मैं रोटी बेल के तैयार करूंगी इसकी। और इस रोटी को मैं प्लेट में उठा के रख दूंगी। आप चाहे इसे थोड़ा सा मैदा लगा के भी बेल सकते हैं, जिससे कि जल्दी बिल जाए ये। इसी प्रकार से मैं अपनी सारी रोटी बेलकर तैयार कर लूंगी। अब इस रोटी को हमने, सबसे लास्ट वाली रोटी को हमने बड़ा बेला है और बाकी रोटी को हमने एक सारी बेला है। अब मैं इस पे जो मैंने मैदे का घोल तैयार किया था, मैदे और घी का, उसे इस पे लगाऊंगी मैं।
अब मैंने इस पे मैदे का घोल लगा दिया है। अब मैं इस पे एक रोटी उठा के इस पे डाल दूंगी इस प्रकार से, और इसके ऊपर भी इसी प्रकार से मैं ये घोल लगाऊंगी। मैं इसी प्रकार से इस पे रोटी की लेयर लगाती जाऊंगी। और इसी प्रकार से मैं ये अपनी चौथी रोटी लगा रही हूँ। और अब मैं इस पे ये आखिरी वाली रोटी लगा दूंगी। इस पे ये बड़ी रोटी की किनारी है, इस पे मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी उंगली की मदद से। इस रोटी को मैं थोड़ा सा बेल लूंगी। और अब मैं इसका धीरे धीरे रोल तैयार करूंगी। ये हमारा रोल तैयार हो गया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा मैदा डालूंगी सूखा, और इसे मैं थोड़ा सा पतला रोल कर लूंगी। और ये हमारा रोल तैयार हो गया है। अब मैं इसके पीसेस कट करूंगी। अब मैं इसे इस प्रकार से कट करूंगी, इसे एक साइड में कर देती हूँ मैं। और ये हमारे पीसेस कट के तैयार हो चुके हैं। अब जो ये हमने इधर से काटा है उसको इस प्रकार से दबाएंगे, इसी प्रकार से हथेली से इन्हें दबाऊंगी। आप चाहे इनसे बेल भी सकते हैं। ये हमने सारियों को हाथ से दबा दिया है, और इधर हमारा पॉइल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके ये सारे खाजा डाल दूंगी। गैस को हमने स्लो पे ही रखना है, और इन्हें मैं स्लो गैस पे ही सेक लूंगी। और ये हमारे खाजा अच्छे से सिक रहे हैं धीरे धीरे। ये हमारे खाजा अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखो कितने बढ़िया से सिक्के तैयार हुए हैं। अब मैं बाकी बचे हुए खाजों को भी फ्राई। ये हमारे सारे खाजा फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें भी प्लेट में निकाल लूंगी। और गैस को मैंने बंद कर दिया है।
ये मेरे सारे खाजा तैयार हैं। अब मैं इन्हें चाशनी में डालूंगी। चाशनी हमारी थोड़ी गर्म है, हमें ज़्यादा चाशनी तेज गर्म नहीं करनी है। अब मैं इस चाशनी में थोड़े थोड़े करके इसमें डालती जाऊंगी। और अब मैं इन्हें प्लेट में निकालती जाऊंगी। एक में इस प्रकार से मैं अपने सारा खाजा चाशनी में डिप कर लूंगी। और ये मेरे सारे खाजा चाशनी में अच्छे से डिप हो चुके हैं। अब मैं इन खाजा को एक प्लेट में सर्व करूंगी। और ये हमारे खाजा बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे किसी त्योहार पे भी बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।